सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें रोज की तरह एक बहुत सुंदर गीत सुना रही हैं, दिव्य गीत। यश जी, ओम शांति। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु को जिसने साथी माना समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा दे। मन से मन की तार मिला आशाओं के फूल खिला। याद न कर जो बीत चला शुभ संकल्पों के दीप जला शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान मिला तुम आओ प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा बढ़ा बढ़ा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपनी अवस्था ऊंच बनानी है, एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके लिए सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकांत में बैठकर अपने स्वरूप का चिंतन करना है कि मैं नश्वर शरीर नहीं हूं, मैं
अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। अभी सृष्टि चक्र का अंतिम काल चल रहा है, डूम्स डे निकट, डे ऑफ जजमेंट आ रहा है। अभी हमें वापस घर जाने की तैयारी करनी है, तो उसके लिए ज्ञान योग द्वारा अपनी आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है और दिन रात इसी पुरुषार्थ में लगे रहना है कि हाउ टू सैंक्टिफाई माई सोल, हाउ टू प्योरीफाई माई सोल, हाउ टू सैनिटाइज माई सोल। मैं अपनी आत्मा को कैसे डिटॉक्सिफाई करूं? आज के मुरली में दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भगवान शिव पर पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? भक्ति मार्ग में देवियों पर, शिव पर बलि चढ़ते थे। वास्तव में बलि का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? बाबा ने कहा, भगवान शिव पर पूरा बलि चढ़ने का अर्थ है कि बुद्धि में उस एक की याद हर पल रहे। बुद्धि का योग हर पल एक परमपिता परमात्मा सदा शिव से ही लगा रहे। हर समय आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, रूहानी सेवा का चिंतन बुद्धि में चलता रहे। तन मन धन से संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, इसको ही बलि चढ़ना कहते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि कोई भी नाम रूप याद ना आए, देहधारी की याद ना आए। हर समय विदेही, निराकार, इनकार्पोरियल ज्योतिर्मय प्रभु पिता की याद में बुद्धि निरंतर लगी रहे। ऐसा जो बलि चढ़ते हैं परमेश्वर पर, उन्हें परम पिता परमात्मा से अविनाशी सुख, शांति, आनंद, प्रेम का वर्षा प्राप्त होता है। और जो एक दूसरे के नाम रूप में फंसते हैं, जिस्म में फंसते हैं, देहों में फंसते हैं, वो शिव पिता का और अपना नाम बदनाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आत्म दृष्टि रखनी है और कोई दृष्टि यहाँ रखनी नहीं है। विकारी दृष्टि यहाँ रखनी नहीं है, पवित्र दृष्टि, सिविलाइज्ड दृष्टि रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि यहाँ नहीं रखनी है। दूसरा प्रश्न है, भगवान शिव सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? भगवान शिव का अवतरण कलयुग के अंत में जब इस धराधाम पर होता है, तो अपनी आत्माओं रूपी बच्चों को वो कोड़ी से हीरे जैसा, बैगर टू प्रिंस, तमोगुणी से सतोगुणी, पतित से पावन बनाने की महती कृपा करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते, श्रीमत लेते, भगवान से, पिता से, परम पिता परमात्मा से कुछ भी छिपाते नहीं, प्रभु के सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष, उन पर प्रभु पिता की स्वतः कृपा होती है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कन्फेशन नहीं करते, तो इसलिए क्रिश्चियन धर्म में भी कन्फेशन को बहुत महत्व दिया गया है। तो जो भी हमारे में कमियां, कमजोरियां, या हमने कोई पाप कर्म किए हैं, उसे एक बार सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा के समक्ष रख देना चाहिए और आगे से पाप ना करने की प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए। साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भाव
ये आज की मुरली का वरदान है, दोबारा पढ़ रहे हैं। साइलेंस की शक्ति से अर्थात योग की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भाव। बुराई को अच्छाई में कैसे बदलेंगे? शुभ भावना से, बेस्ट विशेष से। जैसे साइंस के साधन से खराब चीज को भी परिवर्तन करके अच्छी चीज बना देते हैं, वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे बाबा ने कहा। आप बच्चे ऐसी शुभ कामना साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। तो उसके लिए साइलेंस की पावर, शुभ कामना की पावर अगर हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो, तो हम किसी भी, चाहे बुरे संबंध को, बुराई हो, कोई इविल हो, डेविल है जो, उसको भी हम श्रेष्ठ में परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छाई में परिवर्तन कर सकते हैं, डेविल को डिवाइन बना सकते हैं। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को छोड़ अच्छाई धारण कर ले। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना तो अलग बात है। हम सब राइट रॉन्ग काफी हद तक जानते हैं, फिर भी रॉन्ग कर लेते हैं। बुराई को धारण करना तो गलत ही है ना। यद्यपि हम जानते हैं दिस इज नॉट गुड, फिर भी हम अपने जीवन में उसको धारण किए रहते हैं। जैसे क्रोध, सबको पता है क्रोध के बहुत नुकसान है। क्रोध एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड है, एंगर इज डेंजर। फिर भी हम सब लोग क्रोध करने से बाज नहीं आते, रोज प्रतिज्ञा करते हैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थिति आते ही इंपल्सिव रिएक्शन हो जाता है और हम क्रोध कर ले। तो बाबा कहते हैं बुराई को बुराई रूप में धारण करना तो गलत है, इसलिए बुराई को देखते हुए जानते भी उसे अच्छाई में बदलना है। इसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना और योग की शक्ति चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे लोग आएंगे जहां बहुत कुछ बुरा होगा, लेकिन अपनी योग की दृष्टि से, पावन दृष्टि से, आप बुराई को भी अच्छाई में, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। परमपिता परमात्मा हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। स्पिरिचुअल शब्द का जेनेसिस स्पिरिट, सुप्रीम स्पिरिट अर्थात सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को कहते हैं। कहते भी हैं स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। एक है स्पिरिचुअल नॉलेज, एक है फिलॉसफी। भगवान आके हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। फिलॉसफी, इंडिया में 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं। एक है वैशेषिक जो कनद ऋषि द्वारा लिखा गया, दूसरा है न्याय गौतम ऋषि द्वारा लिखा गया, सांख्य कपिल मुनि द्वारा, योग पातंजलि ऋषि द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा और वेदांत या उत्तर मीमांसा वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो शास्त्र उठाकर पढ़ते नहीं है, क्योंकि ही परमात्मा तो स्वयं ही ओशन ऑफ नॉलेज, ऑल नॉलेजफुल है। उसको किसी वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके पास तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा की जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें प्राप्त हो रही है, आत्मज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसको हमें जीवन में अच्छी तरह से धारण करना है। गुरु नानक देव जी ने परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत की है।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभन गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो एक ओंकार परमात्मा जो सच्चा है, जो कर्ता पुरख है, इस संसार का कर्ता है, क्रिएटर है, जो निर्भव अर्थात जिसको कोई भय नहीं है, फियरलेस निर्वैर है, उसका कोई एनिमी नहीं, अकाल मूरत है जिसको काल खाता नहीं, डेथलेस अजूनी सैभंग वो किसी योनि में नहीं आता, स्वयंभू है वो अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो तीनों कालों में रहने वाला है, वो आदि से सत्य है, युगों के आदि से सत्य है, आज भी सत्य और कल भी सत्य रहेगा। बहुत सुंदर महिमा गुरु नानक देव जी ने परमपिता परमात्मा की है, निराकार की है। और जपजी साहब में भी बहुत महिमा है, सुखमनी साहब भी पढ़ने लायक है, सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम। कि जो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, जो प्रभु का नाम अमृत जैसा है, वो बहुत सुखदाई है, वो सुखमणि है। और जो उस सुख का रसा स्वादन करता है, भगत जना के मन विश्राम, उनका माइंड रेस्ट में चला जाता है, विश्राम में चला जाता है, शांति में चला जाता है, विश्रांति में चला जाता है, मौज बन जाती है, मन शांत रहने लगता है 24 आवर। बाप कहते हैं मुझे याद करो, परमपिता परमात्मा का एक ही आदेश निर्देश सर्व मानवता के प्रति है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, वो चीज अगर मिल जाए भक्ति मार्ग में, जन्म जन्मांतर याद किया, वो चीज अगर हमें मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने लक्की हैं कि गॉड इज माई गाइड। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी सोल कॉन्शियस बनते हैं, बॉडी कॉन्शियस रहने से वो खुशी नहीं होती। और जब यदि हम अपने को सोल समझेंगे, आत्मा समझेंगे, सामने वाले को भी सोल समझेंगे और सुप्रीम सोल को याद करेंगे, तो परमपिता परमात्मा के साथ हमारा प्रेम, हमारा लव और बढ़ता चला जाएगा। शिव बाबा ने पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुख वंशावली रची, वो कुख वंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं, ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का दुनिया वालों को पता नहीं, पुरुषार्थ करते हैं हम निर्वाण धाम जाएं, वाणी से परे चले जाएं, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी, वो ब्रह्म की यात्रा हो गई। बाबा ने कहा है कि फुल पास होने के लिए जो भी हमारे भीतर डिफेक्ट हैं, कमियां हैं, एरर्स हैं, उनको निकालना है। जो विकारों का अंश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके ऊपर हमें बहुत वर्क करना है, उसको फिर समाप्त करना है। रोज देखना है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि प्राइड है थे फॉल, जो अहंकार में जाता है उसका पतन हो जाता है। और दृष्टि बहुत पवित्र रखनी है, कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं है, बल्कि पूरा आत्म अभिमानी बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। आत्म अभिमानी, परमात्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस बनना है। आज का स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण करो,
तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण बहुत बड़ा गुण है। कहा गया है जो सहन करता है वही शहनशाह बनता है। अगर पत्थर चोटों को सहन ना करे तो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकता। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत बड़ा गुण है, इसको धारण करो तो जो हमारे कड़े संस्कार हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। तो हम बच्चों को टॉलरेंस पावर पर बहुत काम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।